Ashwani Purohit. I am working in Coal India, a Maharatna PSU Government of India. I am holding a grade official in Coal India and I am having more than 3 years of experience in government sector. So guys, this is regarding jobs for CACWA. This is a recent notification of GIC, General Insurance Corporation of India, regarding jobs for CACWA and AMCOM. And last date to apply for this job is 11 September 2019. The number of vacancies is 9, and they asked desirable qualification Chartered Accountant and Cost Accountant and AMCOM. If a person having CA and CWA means CMA, then unko zarurat nahi hai BCom hone ka. If they are not graduate, there is no difference. Easily apply kar sakte hain, no bar at all. Because CA, CW can apply. जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगा, जो भी एज क्राइटेरिया होगा, 21 अगस्त 2019 को फुलफिल होना चाहिए. मीन्स 21 अगस्त 2019 को आपका CA फाइनल, CW फाइनल क्लियर होना चाहिए. देन आप अप्लाई कर सकते हैं. 11 इसकी जनरल वैकेंसी है, 2 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है, 3 SC, 2 ST, 7 OBC, 1% पर डिसेबिलिटीज का. तो ये जनरली इन्होंने देखे रखा है, 25 टोटल वैकेंसीज हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं वो. और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 2 वैकेंसी हैं इसके अंदर. उनके पास ACS या FCS होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. उनका भी सेम पैकेज होगा, सेम जो भी क्वालिफिकेशन का डेट है वो सेम अप्लाई हुआ है यहाँ पे भी. एज क्राइटेरिया भी आपका 21-8-2019 को ही रिकॉग्नाइज करेंगे वो, इधर से ही काउंट होगा, इधर तक ही काउंट होगा. इस स्टेट पे आपका इतना एज होगा तो यू कैन अप्लाई. इसके हम पे पैकेज पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी बेसिक पे 32,795 होती है, जो कि इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है पर मंथ 59,000. इसके अलावा अदर बेनिफिट, नेशनल पेंशन स्कीम मिलता है, और न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रेवल सब्सिडी, हाउसिंग फर्नेस अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है. लीज, देयर आर मैनी सच बेनिफिट्स दे आर ऑफरिंग, एंड ऑल्सो द लीज अकोमोडेशन दे आर ऑफरिंग. मीन्स दे आर मुंबई में बेस्ड है कंपनी गवर्नमेंट की, और मुंबई में ही इसकी पोस्टिंग होती है, मुंबई या अब्रॉड. और अगर आप मुंबई में पोस्टेड होते हैं तो आप लीज अकोमोडेशन ले सकते हैं. 30,000 रुपीज़ तक का कंपनी पे करेगी लीज अकोमोडेशन का, 59,000 के अलावा है ये. और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कॉर्पोरेट कल्चर बहुत डिसेंट. इसका मैंने खुद, मेरे दोस्त इसमें काम करते हैं वो बताते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है काम करने का, अच्छा सोशल लाइफ भी होता है, अच्छा पे पैकेजेस मिलता है, एवरीथिंग इज़ नाइस इन दिस कंपनी. बायलॉज होते हैं उसका ही है. और इसकी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2019 में होगा, मींस फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाएगा इसका एग्जामिनेशन. इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्लस 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, एंड परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ये भी होगा. अगर जो रिटर्न क्लियर करेगा उसके बाद GD एंड PI इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा. ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे. ये टेस्ट सेंटर्स हैं इतने सारे, आप देख सकते हो. मैं इसमें PDF का लिंक आपको डाल दूंगा. अब मेजर सिलेबस क्या है? मेजर सिलेबस है इसका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज. तो इसका ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा. तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग, फंडामेंटल बिजनेस लॉस, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन विद फोकस ऑन फंडामेंटल, फंडामेंटल अकाउंटिंग विद फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फोकस ऑन बजटिंग, बैंकिंग सर्विस फंडामेंटल फोकस ऑन एल्स इन बैंक ऑपरेशंस. 40 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा. ये इसका ही मतलब डिस्क्लेमर भी देके रखा कि ज़रूरी नहीं है कि इसी से सारा पूछा जाए, इसके अलावा भी जाएगा. इसके अलावा कहाँ से जाएगा? वो CA का ही पार्ट होगा, जो हमने CA में पढ़ा है, CW में पढ़ा है, उसका ही पार्ट होगा. जो भी CS में पढ़ा है उसका ही पार्ट होगा. सिलेबस के हमने जो भी आज तक पढ़ा उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा. ये इन्होंने नॉर्मल ओवरव्यू दे दिया, हेलीकॉप्टर व्यू, कि हम इससे पूछेंगे. इसके अलावा भी पूछ सकते हैं हम आपसे. टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड ये 3 क्वेश्चन होंगे ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए.
तो ये जो 120 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, अब आप लोग कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ये सब चीज़ें एक एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं मिल रही थी। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, मुझे बहुत टाइम लगता था चीज़ों को अकम्पलीट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में एक दो बुक्स आती थी वो सारी आउटडेटेड रहती थी, कुछ तो भी उसमें करके रखा था, फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं खुद की, थोड़ा इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा किया। तो अभी मैं खुद और मेरी टीम मिलके पूरा मटेरियल जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेज के लिए, ताकि आप लोग जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करें उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रिपरेशन करने के लिए, एक अम्ब्रेला के नीचे उसको सारी चीज़ मिल जाए। और जो भी रीजनिंग, आप जो सीएस स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि हमने मैथ्स और रीजनिंग हमारा वीक होगा, वी कांट डू, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। दे आर दे यूज टू चेक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योर ईच एंड एवरीथिंग, हाउ लॉजिकल यू आर। तो हम आपको रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन देंगे मोस्ट ऑफ, और ये आपको श्योरली हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन में जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा सिलेक्शन होने के लिए। और हम एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले, मतलब 1 मिनट पहले तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम आपको हर एक डाउट क्लियर करेंगे, इसके हम लेक्चर्स भी आपको बनाएंगे, जो भी हमको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे रीजनिंग मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, कि कैसे सॉल्व होते हैं चीज़ें जल्दी फटाफट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2-5 सेकेंड्स में, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सब हम वीडियोज़ भी देंगे आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। बट आप जैसे भी रिस्पॉन्ड हमको करेंगे उस हिसाब से हम उतने जल्दी ही प्रॉम्प्ट उतने जल्दी मटेरियल अपना प्रोवाइड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसका नॉमिनल चार्ज हो सकता है, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, नॉमिनल चार्ज होगा, और उसमें हम पर्सनल गाइडेंस भी आपको हमेशा ही देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर टेकिंग माई आवर मटेरियल एंड विल प्रोवाइड थॉरो गाइडेंस टू यू। एंड अब आते हैं इसका जो मेजर पॉइंट है, इसमें सर्विस कंडीशन एक था, इसमें आपको 4 साल गारंटी बॉन्ड, इसमें आपको 4 साल तक कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते हैं तो 1 साल का जितना भी ग्रॉस अमाउंट पे किया है कंपनी ने वो आपको पे बैक करना पड़ेगा। बट अगर आप दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, एनी गवर्नमेंट सेक्टर, विथ टेकिंग प्रायर परमिशन, देन आपका जो बॉन्ड होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में विथ कंटिन्यूएशन में, जितना भी आपने 1 साल कंप्लीट किया है, तो आपका अगर आप इंडियन ऑयल में जाते हैं तो 3 साल आपको वहाँ एज अ बॉन्ड अमाउंट बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप जाते हैं। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ये सब 500 रुपये इसका GST, नॉर्मल चीज़ मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैं डाल दिया। एक और मेरे पास वैकेंसी है मेरे नॉलेज में, वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए, हु आर हैविंग मोर हु हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स एटलीस्ट। इसकी ऑफिस ऑफ फाइनेंस की पोस्ट है, इसमें 12 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसमें CA CWA अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जून 2019 को इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आर्टिकलशिप इंटर्नशिप पीरियड काउंट नहीं करते हैं, इसमें अकाउंटिंग की फाइनेंशियल मैटर बजटिंग टैक्सेशन में इनका होना चाहिए एक्सपीरियंस, तो ही एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर कोई फर्म में काम कर रहा है और उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी, प्लस प्लस आपको चेक से पेमेंट हुए होंगे 2 साल में, तभी वो एक्सपीरियंस काउंट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू सिलेक्टेड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। जब फिर इंटरव्यू कॉल होता है तो इंटरव्यू में आपको ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, इफ़ यू पेड बाई चेक देन इट इज़ वेरी, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो उसकी 12 वैकेंसी, उसका बाइफर्केशन ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए 5 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का 1 वैकेंसी, इन ऑल टोटल 12। 1 जून 2019 को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हो गया इसका। अब पैसे की बात करते हैं, अपना सपना मनी मनी, इसका टोटल मंथली एमलमेंट्स एट इवन ग्रेड इज अराउंड, सब कुछ मिला मिलू के इसका जाएगा 69,600 रुपीज़। इसका इसमें भी वही सेम, लगभग सेम फैसिलिटीज़ है, तो इसका पैकेज अराउंड 14, मतलब मैक्स टू मैक्स इसका CTC कंपनी पर जाएगा 14-15 लैक्स, और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी पैकेज ऑफर करेगा वो अराउंड 14 लैक्स, CTC मैक्सिमम 14-15 लैक्स अराउंड। इट इज़ वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज विच बीइंग ऑफर टू न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट गेटिंग दिस मच ऑफ सैलरी, एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में PSU में काम भी अच्छा सीखने को मिलता है, प्लस सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है उसके अंदर।
सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने बोला है कि हम इंटरव्यू से सिलेक्ट करेंगे, बट अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो हम रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, प्लस हम इंटरव्यू लेंगे उसका। 80% हम इसका वेटेज रखेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन का, 20% हम रखेंगे पीआई का। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, देर आर लेसर चांस कि वो इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्ट करें। दे आर गोइंग टू कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज ऑफ फेयर प्ले, बिकॉज दे बिलीव गवर्नमेंट सेक्टर बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बहुत सारी। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे आर गोइंग टू कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन एंड पीआई पर्सनल इंटरव्यू। इसकी लास्ट डेट कब अप्लाई करने का ये देखते हैं हम। इसकी ₹700 फीस है नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फ्री है, अप्लाई करना फ्री है, ये इन लोगों को चार्ज नहीं लगेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/8/2019 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर देना चाहिए आपको। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के साथ ये 3 सितंबर 5 बजे तक इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। इसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में मुंबई साइड होती है, अच्छी जगह हो जाती है, मुंबई पुणे अराउंड होता है इसमें पोस्टिंग।